के हैं, स्मार्ट सिटी का कुछ पार्ट है जिसकी मैंने प्रोग्रेस जाननी चाहिए, तो अभी प्रोग्रेस तो उतनी नहीं है। कोविड के कारण उन्होंने कहा कि हम 4 महीने काम नहीं कर पाए, इस कारण से वो काम अभी शुरू नहीं हो पाया, चाहे वो स्मार्ट रोड का काम हो, स्मार्ट रोड के अंदर अगर डक्ट का काम हो या सीवरेज का रिप्लेसमेंट हो या पानी का रिप्लेसमेंट हो या फिर ग्राउंड का काम हो, ये सारे ऐसे काम थे जो कि नहीं हो पाए। तो अभी इस संबंध में समय जो पहले तय था सब, तो उस समय तक तो पूरा नहीं हो पाए, देखते हैं कैसे अभी आगे बात बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल जो प्रोग्रेस है वो उतनी उत्साहजनक नहीं है जितनी इन्होंने डेट दी थी। कोविड के कारण काम शुरू नहीं कर पाए। इसके अलावा क्या सर, क्या संतुष्ट, आप जो कह रहे हैं कि उत्साहजनक नहीं है, क्या संतुष्ट नहीं है आप काम से, अगर बतौर शहरी विकास मंत्री के? दो अच्छी चीजें हैं ये, चूंकि एक लिमिटेड कंपनी है जो काम कराएगी, सरकार की ही है पूरे तरीके से, और जो इन्हें तारीख फिक्स की थी उस तारीखों के आधार पर अभी काम शुरू नहीं हो पाया। इसका कारण यही है कि इन्होंने कहा कि हम 4 महीने से कोविड के कारण काम शुरू नहीं कर पाए, 4 महीने में तो काम के उसके बाद शुरू न होने के कारण अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वो काम स्पीड पकड़ेगा। आज सभी को कहा गया है कि आप तत्काल आने वाले समय में पूरी स्पीड के साथ काम करें। मंत्री जी, एनआईटी को लेकर जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला आया है ऐसे में, तो अब सुमाड़ी में किस तरीके से आप लोग बनाएंगे? केंद्र से भी उन्होंने कह दिया कि भाई जो फैसला है निरस्त करो, ऐसे में इतनी फौज आपने वकीलों की रखी हुई, उसमें भी जितनी बार आप लोग? दो चीजें हैं, देखिए इसमें चूंकि इस सारे विषय में जो टेक्निकल चीज होती है उस टेक्निकल की मान्यता होती है, अब टेक्निकल रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय को सारी चीजें अवगत कराई गई होंगी, न्यायालय का कोई निर्णय आया है उसके न्यायालय के निर्णय को देखने के बाद आप आगे उसी आधार पर क्या करना है या आगे जाना है जो भी होगा तब उसके आधार पर निर्णय। लेकिन टेक्निकल उसमें क्या है, क्या वहाँ पे कॉलेज नहीं बन सकता? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो टेक्निकल चीज आई होगी वो न्यायालय को बताएंगे, अगर न्यायालय ने समझा होगा कि टेक्निकल ठीक है तो उस आदेश को मानेंगे, और यदि लगा कि टेक्निकली कोई दिक्कत है तो फिर वो बताएंगे। सर, ये भी कहा गया कि 4 महीने के भीतर उसमें कोई तो उसके लिए भी सर पहले ले हो जाएगा उसमें। रुद्रपुर में एक सीटू का मामला आया है, ये इस तरह की घटना पुलिस के कभी बीजेपी वाले पे चिपक जाते हैं, कभी किसी को मारने लगते हैं, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है? और तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया है, और इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो न केवल चिंताजनक है अभी तो अच्छी भी नहीं मानी जाती, क्योंकि हम लोगों में कहीं ना कहीं एक संदेश इस रूप में होना चाहिए कि सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं, सिस्टम को चलाने वाले हैं, और अगर उस सिस्टम में कहीं इस प्रकार का वातावरण बने जो पैनिक हो तो ये उचित नहीं। सर, एक कल फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, मुकदमे दर्ज, प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार जो पुलिस का दुरुपयोग करते हुए बार बार सिर्फ कांग्रेस को ही टारगेट कर रही है, सरकार पे सीधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, पहले उनको लगता था कि वो सारा श्रेय एक ही आदमी ले जाता है, तो थोड़ा बराबर बराबर हुआ है, वो आज घुसते इस मामले में लेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रॉब्लम प्रदर्शन नहीं है, कांग्रेस की प्रॉब्लम तो अपने वर्चस्व की लड़ाई है, उनकी प्रॉब्लम राजस्थान में नहीं है, उनकी प्रॉब्लम उत्तराखंड में अपने वर्चस्व की प्रॉब्लम है। इसलिए कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है कि जनहित के मुद्दे उठाने या नहीं उठाने, कांग्रेस को इसकी भी चिंता नहीं है विपक्ष के तौर पर वो सरकार का ध्यान आकर्षित कहां करे। कांग्रेस की प्रॉब्लम केवल उनके जो एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसको कवर करने की है, और यही कारण है कि पिछले इतने दिनों में कांग्रेस एक भी जनहित का मुद्दा सरकार के सामने उठाने में असफल रही है। जो मुकदमे भी चिपके हैं उनपे तो बराबर बराबर चिपके हैं, तो अब वो खुश हो गए, खुश है वो उसमें खुश है कि आज सरे किसी एक को नहीं मिला, आज बराबर बराबर बढ़ गया। सर, कोविड के दौरान जो है नर्सों की बहुत ज्यादा भर्ती जो है निकाली गई थी, लेकिन जो पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं स्टाफ जो है एनएचएम में उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा, उनका ये आरोप है कि हमें जो है वो भी अप्लाई करे उनको भी उनको फायदा नहीं मिल रहा ना सर, 10-12 साल से काम करने का, प्रैक्टिकली काम करने। दो चीजें होती है इसमें, जो काम करते हैं जो हमारी एक नियमावली है उसके अंतर्गत काम करते हैं, और नियमावली में कितना उनको
बेनिफिट होगा, कितना नहीं होगा, इतनी मामले का कोल्डिंग क्या होगा। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि सरकारी नौकरियां तो निकल रही है, लेकिन क्लरिकल के पदों पर जो योग्यता मांगी जा रही है उसमें एक साल के कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात आती है, लेकिन उसमें यह है कि सरकार किसी भी संस्थान को कंप्यूटर की मान्यता नहीं दे रही है, जो संस्थान है सरकार अपनी तरफ से, लेकिन जब विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें वो चीज होती है। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव वो कह रहे हैं कि हमने कई बार सरकार को इसको लेकर पत्र भी भेजा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पर नियमावली नहीं बनाई जा रही है। दिखवाता हूँ ऐसा कैसे संभव हो सकता है। डिप्लोमा की मान्यता तो राज्य सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है, तो दुनिया भर की संस्थाएं जो भारत सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है फिर वो डिप्लोमा देती है और वो डिप्लोमा की मान्यता होती है, तो मुझे नहीं जानकारी है कि वो किस प्रकार के मान्यता की बात है, दिखवाना पड़ेगा।